क्या होती है वो रेडियो, उसको क्या करता है ये कैप्चर करता है, कैप्चर करता है और उसका आउटपुट देता है। अभी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, क्या कंस्ट्रक्ट किया है अरेंजमेंट, ठीक है। वहाँ हमने कपास लगाया जो कि क्लाउड है ना, वहाँ पे टावर्स लगाए हैं, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है, ये क्या करेंगे आप थिंक करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे एक चीज पे, तो क्या करेगा आपके ब्रेन में कैप्चर करेगा ये, और उसके हिसाब से फिर अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन 50% या उससे हाई रहा हा? तो यहाँ पे वो बारिश हो जाएगी। तो ये कैसे कनेक्ट किया है, ये हमारे न्यूरो स्कैनर है, ये आउटपुट भेजेगा आर्डिनो को, आर्डिनो यहाँ पे लगाया हमने, ठीक है, आर्डिनो वहाँ पे लगाया है, आर्डिनो वहाँ पे एलईडी लगाया है, क्योंकि हर एक एलईडी इंडिकेट करती है 25%। अगर हमने प्रोग्रामिंग ऐसी की है कि अगर आप 50% थिंक करते हो, 50% कॉन्सेंट्रेट करते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगी बारिश हो जाएगी, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे उतनी तेज यहाँ पे बारिश आएगी। तो वहाँ ये जो सही है आर्डिनो जो है उससे कनेक्ट है अपने रिले से, रिले हमारी मोटर से, जैसे वो 50% थिंक करोगे, 50% कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो वैसे वहाँ पे बारिश आना चालू हो जाएगी। समझ में आया, होता है ना, आप करना चाहोगे, आप करोगे, आप में से कौन आएगा बता दो। हम अब ये कान को क्यों लगाते हैं, ये तो ब्रेन का हो गया, ये कान को क्यों लगाते हैं, अर्थिंग चाहिए हर एक चीज को, है ना। जब स्कैनिंग होती है अपनी ब्रेन की, तब यहाँ पे लगाते हैं वो, जाके वो स्कैनर में भेजते हैं, ये अर्थिंग से वो अर्थिंग। अभी थिंक करो, सोच करो, सब वो वहाँ पे, अरे वाह लगा दे, देखो मन डाइवर्ट कर, बंद हो गया, ओके। हाँ अभी सोच लिया, अभी सेटिंग कर, डिजाइन ये सिर्फ करना है, बाकी हम लोग प्रोग्राम के साथ ऑडियो के साथ सब कुछ है। नहीं नहीं पानी वो उधर से जाता है, उधर ही चला जाता है, तो पानी का अरेंज हमने किया है, ओके। समझ में आपको, पानी गिर रहा क्या आपका, ये आपका गिर रहा क्या, मैं भी और ऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स होता है, okay. इसमें हम इसको नैनो साइज बनाते हैं, मतलब 5-7 नैनोमीटर्स में, बहुत इजी सिंथेसिस है ये, इसके पार्टिकल्स है, डिफरेंट मेथड से बनाओगे ना डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स बनते हैं, डिफरेंट शेप के बनते हैं, इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है, पूरी लिस्ट है, हर इंडस्ट्री में इसकी बहुत हाई डिमांड है। इसका जो रिसेंट एप्लीकेशन है जो बहुत इन इंटरेस्ट का, वो ये है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो क्या करती है, अपना जो वेस्ट होता है वो डायरेक्टली रिवर्स में डालती है, जो इस कलर के होते हैं, ब्राइट एकदम रेड कलर के, और ये ना बहुत पॉल्यूटिंग है, वहाँ की एक्वेटिक लाइफ पूरी खत्म कर देते हैं। अगर इसमें वो थोड़ा सा नैनो पार्टिकल डालती हूँ और धूप में रखती हूँ, तो ये सेम है जो ऐसा हो जाता है, ओके। एंड ये प्रोसेस हुई है सिर्फ 90 मिनट्स में, क्योंकि ये ब्राइट रेड कलर था, सॉरी ये ऑरेंज कलर था, अगर मैं ये यूज करती हूँ तो ये इसको टाइम लगे 90 मिनट्स, रेड था इसको लगे 75 मिनट्स, तो इंटेंसिटी ज्यादा थी इसे 90 मिनट्स लगे, बट मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले को भी सिर्फ 90 मिनट्स लगते हैं। अगर ये चीज हर इंडस्ट्री अप्लाई करे, क्योंकि इंडस्ट्री से 7000 टन लिबरेट हो रहा है रिवर्स के अंदर, बहुत पॉल्यूटिंग है, और इंडिया का ये ज्यादा मेजर इशू, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज व्हाइट ब्लैक ब्राउन ग्रे इससे ज्यादा कलर्स यूज नहीं करते हैं। उसी तरह आप ये शेड्स देख सकते हो, ये सेम था ओरिजिनल, 25 मिनट्स पे ऐसा हुआ, 50 मिनट्स पे ऐसा हुआ, और 75 मिनट्स में पूरा डिकलर। ये कॉन्सेंट्रेशन पे है या फिर टाइम हुआ, टाइम में हुआ, देखो ये सैंपल था, इसे मैंने नैनो पार्टिकल डाला और धूप में रखा, 25 मिनट्स में इसका इतनी इंटेंसिटी कम हुई, सेम उसका कंपेरिजन में 50 मिनट्स में और कम हुई, और 75 मिनट्स में ये एकदम कलरलेस हो गया। 75 मिनट्स में अगर रखे होते तो सारे टेस्ट इस तरह के होंगे, नैनो पार्टिकल्स मैंने निकाल दिया, क्योंकि किस प्रोसेस से बनाया जाता है, ये जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल, जिंक ऑक्साइड,
इसमें हमें कोई भी जिंक सोर्स चाहिए, जैसे मैंने यूज किया जिंक एसिटेट, और इसमें ड्रॉप वाइज ऐड करना है NaOH. बस उसका जो स्पीड है एडिशन का वो बहुत स्लो रखना है. जैसे मैंने 50 ml. इसे मैन्युफैक्चर कैसे किया, मतलब आपने जिंक ऑक्साइड पार्टिकल्स लाए? नहीं, मैंने एसिटेट का सॉल्यूशन बनाया 0.1 नॉर्मल का, और उसमें मैंने NaOH डाला 0.1 नॉर्मल का 50 ml ड्रॉप वाइज. ये ड्रॉप वाइज इतना स्लो होना चाहिए कि 4 घंटे लगे. 50 ml एडिशन में मुझे 4 घंटे लगे, उसलिए वो नैनो साइज बनता है. जब हम डालते हैं उसमें तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं. हम रात भर इसको रखते हैं कि एग्रीगेशन हो जाए. नेक्स्ट डे हम उसको फिल्टर करते हैं और उसको हम अवन में रखते हैं. अवन में रखने से वो मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं. एक्टिवेट मीन्स नाउ दे आर रेडी टू यूज. उसके लिए ये आपने प्रोसेस बताया, ये सब यूज कर सकते हैं. सेकेंड इसका एप्लीकेशन है, जो हम सनस्क्रीन यूज करते हैं उसको होता है टाइटेनियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल. टाइटेनियम जो है वो बहुत कॉस्टली है जिंक के मुकाबले, तो अगर मैं इसकी जगह उसको रिप्लेस करती हूँ तो इसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी. तो बात आती है टॉक्सिसिटी की, तो ये बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है. इसको एज एंटी कैंसर ड्रग यूज करते हैं, तो टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं है. रादर ये एंटी बैक्टीरियल है, ये खुद बैक्टीरिया किल करता है. एंटी फंगल, ये खुद फंगस को किल करता है. और दूसरा इसका एडवांटेज है, रिप्लेस करने से कॉस्ट तो कम होगी ही, मोर ओवर 3 टाइप की बैटरीज है, यूवी ए बी सी. ए ये ब्लॉक करता है टाइटेनियम, बट जो जिंक है वो ए बी सी तीनों को ब्लॉक करता है. तो मोर इसका स्पेक्ट्रम भी बढ़ जाता है और साथ साथ कॉस्ट भी कम हो जाती है. और इंडिया में वी वांट लेस, क्योंकि आजकल यूवी रेस से स्किन कैंसर बहुत बढ़ रहे हैं. जब तक ये अफोर्डेबल नहीं होगा हर इंसान यूज़ नहीं कर पाएगा. और आप ये इमेजेस देख सकते हो, ये प्लेट्स होती है, इसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और जो डॉट से बीच में वो जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स है. वो आसपास अपने उस जैसे से किल करते चलता है. वो व्हाइट कलर का था पूरा प्लेट, उसमें ब्लू ब्लू रीजन आ गए. इसका मतलब उतने दूर वो बैक्टीरिया किल कर चुका है. इट मीन्स इसके अंदर ये सब प्रॉपर्टीज है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज बोलते हैं. बहुत लिमिटलेस इसके फीचर्स हैं, खत्म ही नहीं होते. बायो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है. डायबिटीज में यूज होता है, जीन ट्रांसफर में यूज होता है, डायबिटिक्स में होता है, क्राइम सीन्स में यूज होता है. इंस्टेंट जो हमको नीड है वो ये है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत कम. I have created my own AI assistant in Python. Like you maybe have observed the Google assistant or Alexa assistant. My assistant, the difference with like whatever the stuff that Google assistant can do, my assistant also do. But additionally, one of the additional feature of my assistant is that like in mathematics you have studied the integration and derivation, right? Google assistant cannot solve integration and derivation, but my assistant on screen it will solve all of your mathematical question like integration, derivation, polynomial expression. On screen, everything. How can we give the interesting one? Just give the voice command, integration of x plus 1 or derivation of x square or solve the polynomial expression a square plus 2ab. It will just give the voice command. You don't need to do anything. Is there any input for image scanning? Not, we are currently not processing because for the images. If you want to give a geometrical problem, you must have to do right now. For a particular geometrical problem, for particular that diagram, it has not that much capability to solve that. Or we can do that as well, but it will take you to some Google solutions as well, okay. But right now, on screen, we have made that facility for integration, derivation using logic and formulas. On screen, it will solve all of your, like, integration and derivation are that much hard part, like, human cannot solve, right? Yeah. So that the AI can solve right now. And you can ask, like, play music and all the things, like, what is the nutrition of pizza, how much it contains cholesterol, how much contains vitamin, n number of questions, what is distance between Bangalore and Nagpur, n number of questions you can ask. What is useful? How you create it? We have deployed, first we have created our own computational engine and deployed on AWS, Amazon Web Services, and we have created API of our own machine learning model, you know machine learning model, yeah. So we are using the API of our own machine learning model. So we are just giving voice command from here. That command is getting called on this AWS server, and computational is happening on AWS server, and output is getting executed on the server itself. Just I am getting on the screen here. How much time it required to make? Microsecond. Microsecond, you just within 1 second everything happens. No, actually I am asking you how much time you get to build it. Time required for build it. So I am working here from my, currently I am in final year, working from my third year. So you start?
Third year. In the last project, our project is whole year. Actually, the AI was built in within 1 year. Then next, home automation was taking some IoT security implementation. That took some. Actually, I was placed in Bangalore. Some of my time was there in training. So that time I couldn't give. So my project, yeah, meanwhile. So learning plus application, both take 1 year. If someone is like Python, I was already know from second year. No, not just Python, but also deep learning. No, deep learning, I'm not utilizing deep learning. So AI, what do you learn? AI, we are using scikit-learn. Scikit-learn, machine learning library, scikit-learn. Okay. I'm not aware of that, but whole thing you understand it and then application, and then it took that much of time to play. You know, so many problems you can simply solve with machine learning. You don't need to use deep learning. You don't need to create neural networks. Simple problems can solve. Thank you. Yes, so demo we will show you here. Now both like, let me, I'm using it. You don't need to use laptop. I'm using laptop as just for screen, okay? Like Raspberry Pi, you know, it is a computer, smallest computer. Just for screen purpose, I'm using laptop here. So I will give voice command from here. Now both, you can see. Is there no any option from for voice command? This is simple Bluetooth speaker. You can give from here as well. You are not providing any mic certification. You can use this as a mic. We have also external mic as well. Okay. This is the mic. You can simply plug this to Raspberry Pi and use it. But currently we are using this Windows microphone. Because it requires quite a faster internet. Here the bandwidth of BSNL is quite slow and Jio is also slow. If having internet cable, it will work more better. Okay. So see, fan is off there. Okay, I will turn on fan. Turn on fan. Okay. Because of slow internet is taking time. Okay. Having an Ethernet cable, it will work super fast. Okay. And you can see the light is off now. Okay. I will turn on light. Turn on light. Okay. And okay, this is the home automation. You can connect to your like what? AC, anything. And also I have deployed it on web also. Like suppose you are in America and microphone is set at your home, how could you turn on off? Like in suppose in flight you understand, oh my god, I forgot to turn off my fan and lights, how could I forgot? So in flight also you have this mobile phone and you will get internet connection in flight through Wi-Fi. So right from my mobile. So such 4 buttons are created here. Okay, yeah. You just press the last button. Last. Okay, yeah. And now the fan will turn off. Okay. So fan is turned off just by clicking on mobile. You can give voice by giving right from mobile also you can use as you wish and from any part of world, like from America as well. And next to this security, this is the PIR motion detector sensor you can see. And just like my hand can sense, right? You can see my hand can sense. So this PIR sensor has the same. No, don't need. Six meter it will sense. You don't need to get too close to it, okay? And 6 meter it can cover it right from 360 degree, okay? Now it will not work. It will work. It will more better work because you all are present here. It will sense to all you, okay? Yeah. And like suppose robber or criminal or a thief has entered into your room or maybe in your home. So, or you can set it to your locker room as in where you keep your money, and late night you will not go to your locker room. If robber or criminal thief go to your locker room or room, you can also set to your gate as well. Then it will play emergency sound so that you all will get to know aware about that. Let me show you them. It sends you because so many people are here. If the room is empty, it will not play the sound. Talking about this camera cost only around 400 rupees.
variations are there, like more better you can buy this. You can get it from Amazon. And this camera has that capability. That I already told you, this is trained with AI algorithm camera. It will capture only when ocean will be there, like human presence will be there. Some human is there, then or some animal is there, then only it will capture. Otherwise, like traditional CCTV, it will go on capturing day and night. But it will capture, or it will save your memory space. It will capture only when human is there, and immediately it will send all the, within 1 second it will capture 25 images and will send to your Gmail account. And also it will sync, parallelly it will synchronize all the images and videos to your Google Drive as well, even in case if you miss your Google notification. And so that you will get the picture of your thief or robber entered into your house clearly. ब्रेस्ट कैंसर की आजकल प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, तो अभी जो स्टैटिस्टिक है उसके हिसाब से 17 लाख वुमेन प्रोजेक्टेड है कि ब्रेस्ट कैंसर सफर करेंगे ओनली इन इंडिया इन जस्ट 2020. अभी जो टेस्ट है इट इज मैमोग्राफी विच कॉस्ट अराउंड 10 से 12 हज़ार एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. व्हेन अ वुमेन गेट्स सिस्ट ऑन अ ब्रेस्ट शी डजंट गो फॉर टेस्ट क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव एंड शी अज्यूम्स कि ये ऐसी कैंसर इस नहीं होगा बट जस्ट नॉर्मल कुछ होगा. हमने एक डिवाइस बनाया है जो जब ब्रेस्ट पीस को स्कैन करो तो इस टाइप की स्कैन्स कुछ प्रोड्यूस होते हैं. इन स्कैन को अपने खुद की आंखों से एनालाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट. सो वी हैव मेड अ मोबाइल एप्लीकेशन विच इज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन विच एनालाइजेस द इमेज एंड जनरेट्स रिपोर्ट वेदर कैंसर इज देयर और नॉट. एज आई टोल्ड कि कैंसर की मैमोग्राफी की टेस्ट है 10 से 12 हज़ार एंड इस टेस्ट को हमने अपने कस्टमर रीच आउट स्ट्रैटेजी से बनाया है सिर्फ 100 रुपये ओनली 100 रुपीज पर टेस्ट which does not require doctor supervision. ये आपने infrared scanning use किया है? It's near infrared lights, invisible spectrum. Okay. वो इसके लिए dark room लगता है इसको scan करने के लिए. And the casing is 3D printed. और ये means detect कैसे करता है? means आपने algorithms कौन सी use किया है? क्या use किया है? जो ये है वो डीप लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम है इंसेप्शन V4 जो इसके जो डेटा सेट पे ट्रेंड है द मैजिक इज बिहाइंड द ऐप. अब वो कोडिंग पूरा बताना पड़ेगा. अब वो बताना पड़ेगा नहीं तो दिस विल जस्ट जनरेट अ सिनेरियो. बाद में आपको मोबाइल फोन से ही इमेज क्लिक करनी है एंड वो फिर इमेज उसको जो ऐप है वो इमेज आपको सिर्फ अंदर से कैसे दिखेगा वो इसका काम है. ये जब उसको प्लेस करो तो वो अंदर तक पूरा ग्लो करता है. ओके ये पेनिट्रेट ज़्यादा होती है. थैंक यू. ये जो है ना सेटअप आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग IoT.
तो मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मेरे को भी डाउट है। मेरा ट्यूशन वाले ना।